जापान ने, ये बड़ी खबर आ रही है, जापान ने खुलकर भारत का साथ दिया है। जापान के राजदूत ने डोकलाम में भारतीय सेना की मौजूदगी को सही ठहराया है। जापान ने कहा है कि डोकलाम में हालात बदलने के लिए कोई देश ताकत का इस्तेमाल ना करे। एबीपी न्यूज संवाददाता आशीष कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, ये एक बड़ा समर्थन जो जापान की तरफ से आया है भारत के लिए, जहां जापान ने साफ तौर पर भारत के स्टैंड का समर्थन किया है डोकलाम पर। जी हाँ, बिल्कुल, जापान की तरफ से भारत का खुलकर के समर्थन किया गया है और भारत में जापान के राजदूत ने ये बात स्पष्ट तौर पर कही है कि इस तरह के किसी भी त्रिपक्षीय मुद्दे को सुलझाने की कोशिश तीनों पक्षों को मिलकर के करनी चाहिए, ना कि कोई स्टेटस को चेंज करने की कोशिश करे। यहां तक कहा है जापान के राजदूत ने कि अगर चीन इस तरह का कोई कदम उठाता है तो ये गलत कदम होगा। निश्चित तौर पर एक बड़ा स्ट्रैटेजिक समर्थन हम कह सकते हैं जापान की तरफ से भारत को मिला है और इसका निश्चित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव चीन पर पड़ सकता है, क्योंकि जापान एक बड़ा प्लेयर है इस रीजन में और जापान का खुल करके भारत के समर्थन में आना, वो भी ब्रिक्स देशों के सम्मेलन के पहले, जबकि चीन लगातार कोशिश कर रहा है कि भारत को उकसाया जाए, काफी महत्वपूर्ण है और इसके काफी डिप्लोमेटिक मायने हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा नेहा कि इस पर चीन क्या रुख इख्तियार करता है, क्योंकि जापान ने कम से कम खुल करके भारत का इस मुद्दे पर समर्थन कर दिया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष आपका इस जानकारी के लिए। तो दुनिया की एक बड़ी शक्ति जापान का साथ मिला है भारत को डोकलाम विवाद पर, और जाहिर सी बात है इस तरह से समर्थन मिलने के बाद चीन पर भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनता है डोकलाम मुद्दे को लेकर। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।